नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों धनु राशि वालों, आने वाले अगले दो दिन आने के दिनांक 21 और 22 सितंबर 2022 से आपके ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है और इन घटनाओं के बारे में आप लोग जानेंगे तो आप सभी के होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आज की पूरी वीडियो ग्रह और नक्षत्रों पर आधारित है जिसमें हम बात करेंगे 21 और 22 सितंबर आने के दो दिनों की महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में। दोस्तों सबसे पहले या दो दिनों में जिनका भी बर्थडे है या फिर मेरे जन्मश्री डे है उनको हमारे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारी तरक्की। आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। दोस्तों दो दिनों का समय आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है या समय आप लोगों को क्या क्या खुशखबरियाँ मिलने वाली हैं, तो आपके जीवन काल में इसमें क्या क्या परिवर्तन और क्या क्या बदलाव भी होने वाले हैं। और दोस्त यह समय आप लोगों को किन किन क्षेत्रों से लाभ की प्राप्ति होने वाली है तो किन किन क्षेत्रों से आपको नुकसान भी होने वाला है और यह समय आपको क्या क्या सावधानियां रखनी होगी और कौन से चुनौतियों का सामना आपको यह समय करना पड़ेगा। और दोस्त यह दो दिनों में आपका लव लाइफ कैसे रहेगा, बिजनेस व्यापार कैसे रहेगा, आर्थिक स्थिति कैसे रहेगी और दोस्तों करियर को लेकर स्थितियाँ कैसी व्यतीत होंगी, दोस्तों घर परिवार का माहौल कैसे रहेगा और विद्यार्थियों के लिए समय कैसा रहेगा। दोस्तों इन सारे की सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आज के इस वीडियो में आप लोगों को पूरी विस्तारपूर्वक से हम बताएंगे। तो आप सभी से बस मेरा छोटा सा निवेदन है और रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों वीडियो के अंत में आप लोगों के लिए बेहद ही खास और बेहद ही अच्छे उपाय हम बताएंगे। दोस्तों अगर आप लोग इस उपाय को अगले दो दिनों में कर लेंगे दोस्त यकीन मानिए आपके जीवन की सारी परेशानियाँ हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी और भगवान गणेश जी और भगवान श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बनी रहेगी। जी हाँ दोस्तों, तो आइए बात करते हैं वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो भक्त हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं या दोस्तों नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि राशि से जुड़े सभी जानकारियाँ आप लोगों को समय समय तक पहुंच सके। तो आए दोस्तों बात करते हैं वीडियो की शुरुआत करते हैं भगवान श्री कृष्ण जी के एक बड़े ही सुंदर विचार के साथ। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इंसान कर्म करने में तो अपनी मनमानी कर सकता है लेकिन फल भोगने में नहीं। दोस्तों कि इस जीवन में जो इंसान जैसा कर्म करेगा भगवान उसे वैसा ही फल देगा। दोस्तों जो जीवन में अच्छे कर्म करेंगे उससे अच्छे फल की प्राप्ति मिलेंगी और जो बुरे कर्म करेंगे उससे बुरे फल की ही प्राप्ति मिलेगी। दोस्तों जीवन में अगर आप खुश रहना है तो खुद को एक शांत सरोवर की तरह बना रखो, जिसमें कोई अंगारा भी फेंक दे तो वह खुद ब खुद ठंडा हो जाए। दोस्तों मनुष्य का जीवन गीली मिट्टी की तरह है एवं उसके विचार एक सांचे की तरह है, जैसे विचारे में वह डूबा रहता है उसी सांचे में उनका जीवन ढल जाता है। इसलिए सदैव मन में अच्छी सोच और अच्छे भगवान व अच्छे विचार रखें। दोस्तों आपके साथ हमेशा सब कुछ अच्छा ही होता रहेगा। जी हाँ दोस्तों, तो इन बातों को आप लोग हमेशा अपने जीवन काल में जरूर याद रखिएगा। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण जी के यह ज्ञान आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण राधे राधे जरूर लिखें। दोस्तों चलिए बात करते हैं आने वाले अगले दो दिनों की महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में। दोस्तों आने वाले अगले दो दिनों का समय आप सभी के लिए शुभता और लाभ के लिए समय साबित होगा। दोस्त यह समय की शुरुआत में ही करियर और कारोबार से जुड़ा कोई भी बड़ा अवसर आपके हाथ लग सकता है। दोस्तों इस अवसर को आप बिल्कुल भी जाने मत देना और दोस्तों इस दौरान प्रतिष्ठित लोगों से जान पहचान बढ़ेगी और जिनकी मदद से भविष्य में आपको लाभदायक योजनाओं से जुड़ने का अवसर भी प्राप्त होगा और कार्य क्षेत्र में आपके सीनियर आपको कामकाज की तारीफ करेंगे। और दोस्त यह समय के मध्य में आप साज सज्जा या फिर किसी भी सुख सुविधा से जुड़े किसी भी सामान पर अधिक धन खर्चा कर सकते हैं और यह समय मन चाहे चीज के घर में आने से खुशियों का माहौल भी बना रहेगा और व्यापारियों के लिए यह समय शुभ है। दोस्तों इस दौरान कारोबार में मन चाह लाभ होगा और व्यवसाय के सिलसिले में की यात्रा
लाभप्रद साबित होंगे और छात्रों एवं युवाओं को प्रगति की दिशा यश मिलेगी और परीक्षा प्रतियोगिताओं की तैयारी में जुटे लोगों को यह समय अंत तक कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। और दोस्तों नौकरी पेशा लोगों की आय के अतिरिक्त स्रोत भी बनेंगे और प्रेम संबंधों की दृष्टि से यह समय आपके लिए अत्यंत ही शुभ साबित होगा। दोस्तों जो लोग सिंगल की लाइफ जी रहे थे दोस्तों अब उनकी लाइफ में लव पार्टनर की एंट्री हो सकती है और वहीं पहले से चले आ रहे प्रेम संबंध यश में प्रगाढ़ होंगे और लव पार्टनर से कोई भी सरप्राइज आपको यश में मिल सकता है। और दोस्तों यह समय अपने जीवन को चिरस्थायी न मारें और जीवन के प्रति सजगता को अपनाएं। अगर आप सुधबूझ से यह समय काम लेंगे तो आप यह समय अतिरिक्त धन भी कमा सकते हैं और अपनी बातों पर आप यह समय काबू रखें क्योंकि इसके चलते बड़े बुजुर्ग आहत महसूस यह समय कर सकते हैं। और यह समय आप बेकार की बातें करके समय बर्बाद करने से बेहतर है कि आप शांत रहें और याद रखें कि समझदार कामों के जरिए ही हम जीवन को अर्थ देते हैं और उन्हें महसूस करने दें कि आप उनका ख्याल रखते हैं और आपके महंगे तोहफे भी आपके प्रिय के चेहरे पर यह मुस्कान लाने में नाकाम साबित होंगे क्योंकि वह उनसे कतई प्रभावित नहीं होगा। और यह समय आप लेन देन के मामले को लेकर परेशान रह सकते हैं। परिवार के सदस्यों से झगड़ा करने से बचें तो आपके लिए बेहतर साबित होंगी और यह समय मन धर्म की ओर आकर्षित होगा। यह समय अध्यात्म में रुचि हो रहेगी और थकान रहेगी और यह समय आपके शत्रु आपसे परास्त भी होंगे और बाधा दूर होगा और लाभ आपको यह समय होगा और उन्नति भी होंगी। धार्मिक यात्रा का प्लान भी बनेगा और बौद्धिक काम में आपको सफलता यह समय मिलेंगी और मन धर्म की ओर आकर्षित भी होगा। आपके साथ के कुछ शारीरिक लोग आपके काम में दखलंदाजी यह समय करने की कोशिश करेंगे और कानूनी मामलों में यह समय दखल देने से बचना होगा वरना आप परेशानी में पड़ सकते हैं। और यह समय कुछ जरूरी काम पूरे होने से मूड आपका अच्छा रहेगा। और दोस्तों यह समय आपकी मेहनत से आपको बड़ा लाभ मिल सकता है और वो इस जगह से भी क्योंकि आपके अंदर क्षमता भी है और कुछ बेहतर करने का जज्बा भी है। यह समय आप परोपकार और सामाजिक कार्य आपको आकर्षित करेंगे। अगर आप ऐसे अच्छे कामों में थोड़ा समय लगाएंगे तो काफ़ी सकारात्मक बदलाव आपके जीवन में ला सकते हैं और किसी भी महत्वपूर्ण दायित्व की पूर्ति हेतु समुचित साधन व्यवस्था के लिए मन में चिंता हो सकती है। और नौकरी पेशा में अधिकारियों से सहयोग से वातावरण सुखद होगा और किसी भी पुरानी संबंधी से निकटता बढ़ेगी और अचानक मन के बदलाव से उनको नुकसान भी इसमें उठाना पड़ सकता है। और दोस्तों इसमें आपके स्वास्थ्य में देखा जाए तो दोस्तों इसमें शरीर में पानी की कमी होने के कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है तो आप पर्याप्त मात्रा में जल ग्रहण करते रहें तो आपके लिए बेहतर साबित होंगे। और यह समय घर परिवार में कुछ न कुछ मानसिक बंदिशों हो सकती है और इस कारण से आपका घर में मन नहीं लेगा और कुछ समय के लिए परिवार के लोगों के साथ बाहर घूमकर आए तो आपके लिए अच्छा साबित होगा और आपको बेहतर अनुभव भी लगेगा। और यह समय के उत्तरार्ध में आपको धन की प्राप्ति होंगी और कहीं से अचानक से रुका पैसा प्राप्त होगा और व्यापारियों को भी यह समय बेहतर मुनाफा प्राप्त हो सकते हैं और काम धंधे के संबंधित कार्यों में आपको लाभ होगा और दवाओं के मामले में अच्छा कारोबार देखने को मिलेंगे और भूमि संपत्ति के मामले में कोई बड़ी डील भी यह समय कर सकते हैं। और यह समय नौकरी पेशा वर्ग में कर्मचारी अपने अपने काम को पूरा करेंगे। जी हाँ दोस्तों चलिए बात करते हैं उपाय के बारे में। दोस्तों आखिर आने वाले अगले दो दिनों में आप लोगों को कौन से उपाय करने चाहिए जो कि आपके जीवन की सारी परेशानियां हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी और भगवान गणेश जी और भगवान श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद हमेशा आप सभी के ऊपर बनी रहेगी। तो दोस्तों यह समय आप भगवान गणेश जी के मंदिर जाएं और मंदिर में जाकर आप भगवान गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें और गणेश चालीसा का पाठ करें और साथ ही जीवन की तमाम तरह की परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए और रोग एवं बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए आप यह समय किन्नरों को कुछ दान करें और साथ ही हरे वस्त्रों का भी दान करें। और दोस्तों साथ ही आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। दोस्तों इन दोनों उपाय को करने से आपके जीवन की तमाम तरह की परेशानियां हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी और भगवान गणेश जी और भगवान श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बनी रहेगी। तो दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि विष्णु जी और जय गणेशाय नमः जरूर लिखें। आपके जीवन के सारे बिगड़े कार्य और सारे परेशानियाँ हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी।